मुझे गर्व है और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे स्वर्गीय पिताजी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी ने मेरी शादी जम्मू कश्मीर राज परिवार में करवाई। इन 30 सालों में मुझे मेरे ससुर महाराज डॉक्टर करण सिंह जी से और महारानी साहिबा से बहुत प्यार ज्ञान और आशीर्वाद मिला। यहाँ के डोगरी लोकगीत पूजा प्रेरणा और आरती मेरे ससुर महाराज डॉक्टर करण सिंह जी के मधुर स्वर में हमारे घर में शुभ वातावरण बनाए रखते हैं। मुझे यहाँ के जो मंदिर है रघुनाथ मंदिर गणवीरेश्वर मंदिर बाहू माता वैष्णो माता हमारे जीवन और हमारे परिवार में एक महत्व स्थान रखते हैं। यहाँ के पहनावे खाना पीना और जो जम्मू कश्मीर की राज्य स्थापना हुई इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा। महाराजा हरि सिंह उनको हमेशा अपने जनता की भलाई के बारे में उनकी सबसे बड़ी सोच थी। हम लोग सब उनको एक सुधारक और न्यायप्रिय महाराजा मान के हमें याद उनकी आती है। मेरे ससुर महाराज एक विचारक और विद्वान के रूप में पूरे विश्व में जाने जाते हैं। ये पहले डोगरा है जिनकी जान पहचान विदेश में फैली हुई है। उन्होंने 18 वर्ष के छोटे उम्र पर राजनीति में उन्होंने पहला कदम रखा। वे गवर्नर बने सदर रियासत बने उसी के पश्चात उन्होंने उधमपुर से ही अपना सियासी जीवन शुरू किया। आप सब ने उनको 4 बार यहाँ से जिताकर भेजा इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। उन्होंने भी अपनी सांसद की भूमिका पूरी तरह से निभाई। अपने समय में सलाल प्रोजेक्ट किया रेलवे लाइन आपका पठानकोट से जम्मू तक लाया। यहाँ पर वैष्णो माता में पहला सुरंग जो बना था उन्हीं ने बनवाया। डोगरी भाषा का पहचान पूरे भारत में हुआ है। यह सब काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किया। मेरे पति युवराज विक्रमादित्य सिंह जी अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति में उन्होंने कदम नहीं रखा है। वे सच्चे दिल और पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करना चाहते हैं। मेरे बेटे मार्टन अपने लॉ डिग्री हासिल करने के साथ साथ अपने पिताजी के साथ आपके खुशहाली और प्रगति के लिए हाथ बटाने आए हैं। मैं चाहती हूँ कि हम सब को मिलकर खासकर महिलाओं को ये मालूम होना चाहिए कि हमें हमारे जीवन में हमें प्रगति लाने की शक्ति होनी चाहिए क्षमता होनी चाहिए। और ये शक्ति क्या है आप में क्या शक्ति है और मेरे में क्या शक्ति है जो एक जैसा है वो है हमारा वोट। तो पीछे नहीं होइए आगे आइए वोट दीजिए। यही आपका माध्यम है जो आपका शक्ति है जिससे आपके पास एक उम्मीदवार आए हैं। मेरे पति विक्रमादित्य सिंह जी आपके पास एक मौका है आपके शक्ति दिखाने के लिए आपके इस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए। तो चूके मत लोगों के बहकावे में नहीं आइए। ये समय है हम सबको एकजुट होकर उनके पीछे उनके हाथ में शक्ति देने की।
18 अप्रैल को आप जरूर मतदान कीजिए, ये मेरा अनुरोध है आपसे। हम महिलाओं को भी अपनी शक्ति एक साथ जुट मिलकर उनको हमें जिताना है, ताकि वे आपके प्रतिनिधि बनकर इस क्षेत्र के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सके और आपके जीवन में उन्नति ला सके। आपके जो भी मसले हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके लिए वो आप हमेशा आपके सुख दुख के समय में उनको, मुझे और मेरे लड़कों को आपके बीच हमेशा पाएंगे। ये हमारा वचन। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रानी साहबा जी अपने विचार के। रानी साहबा, रानी साहबा, रानी साहबा, सभी महिलाओं से मेरा अनुरोध है, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। जो जो लोग आपके सामने बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत उन्हें लिया मीडिया।